नमस्कार दोस्तों, इसी वीडियो में आपके साथ रिपोर्टिंग ऑफ डेंजरियस अकरेंसीज एंड प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, यानी कि कुछ आपके प्लांट्स के अंदर डेंजर्स हुआ है उसका रिपोर्टिंग जो है आपको करना है, और वो भी टाइम लिमिट के अंदर करना है। उसी के बारे में मैं इसी वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ। पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी सब्जेक्ट कोड 201, यानी कि 201 हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड कंट्रोल टेक्निक्स। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन राइट इन ब्रीफ, रिपोर्टिंग ऑफ डेंजरियस अकरेंसीज एंड प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, और इसका मार्क वेटेज जो है वो 5 to 10 हो सकता है। अंडर सेक्शन 88A ऑफ द फैक्ट्री एक्ट एंड अंडर सेक्शन 103 ऑफ द गुजरात फैक्ट्री रूल्स, द फॉलोइंग अकरेंसीज आर प्रिस्क्राइब्ड एज ए डेंजरियस एंड दे आर रिपोर्टेड इन फॉर्म नंबर 21 फॉर बॉडीली इंजरी एंड डेथ एंड 21A फॉर नो बॉडी इंजरी रिपोर्ट, प्रॉपर्टी डैमेज मे और मे नॉट बी रिजल्टेड। यानी कि कोई भी आपका प्लांट्स के अंदर कुछ डेंजरियस, यानी कि जो खतरा वाला कुछ हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, तो आपको टाइम लिमिट के अंदर अंडर सेक्शन 88A फैक्ट्री एक्ट के जरिए और गुजरात फैक्ट्री रूल्स 103 के तहत आपको वो फॉर्मेट नंबर 21 के अंदर वो रिपोर्ट मेंशन करना है, और 21 फॉर्म जो है उसमें आपको कोई भी इंजरी हुआ है पर्सन को या डेथ हुआ है तो वो मेंशन करना है। अगर आपका किसी को इंजरी नहीं हुआ है बट प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है तो आपको फॉर्म नंबर 21A जो है उसी में आपको रिपोर्टिंग करना है। और ये जो अकरंस होता है, डेंजरस अकरंस होता है, उसमें ब्रस्टिंग ऑफ ए स्टीम प्लांट अंडर प्रेशर्स उसी में हो सकता है, कोलैप्स ऑफ फेलियर ऑफ लिफ्टिंग अप्लाइंसेस लाइक क्रेन, विंच, होस्ट और अदर अप्लाइंसेस यूज्ड इन रेजिंग और लोअरिंग पर्सन्स और गुड्स और एनी पार्ट और ओवर टर्निंग ऑफ क्रेन। यानी कि ये कोलैप्स होने का रीज़न जो है वो लिफ्टिंग आप कोई अप्लाइंसिस कर रहे हैं या क्रेन के जरिए कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, या होस्ट है, विंच है, कुछ अप्लाइंसिस का आप यूज़ कर रहे हैं, या तो कोई पर्सन जो है वो लोअरिंग कर रहा है, और कोई मटेरियल्स गुड्स और एनी पार्ट, यानी कि कोई मटेरियल्स का पार्ट जो है, मटेरियल गुड्स है, उसको आप वहाँ से इधर उधर या तो शिफ्ट कर रहे हैं या क्रेन के जरिए ओवर टर्निंग कर रहे हैं, तभी इस टाइप का डेंजरियस अकरंस हो जाता है। फायर, एक्सप्लोजन, लीकेज और एस्केप ऑफ मोल्टन मेटल, हॉट लिकर्स, गैस एटसेट्रा, राइजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन और ड्रेनेज टू एनी फॉर्म एज प्लेस इन विच पर्सन आर एम्प्लॉयड। एक्सप्लोजन ऑफ प्रेशर वेसल्स, रिसीवर्स और कंटेनर यूज फॉर द स्टोरेज एट ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ एनी गैस और गैसेस और लिक्विड और सॉलिड्स। कोलेप्स और सब्सिडेंसी ऑफ ए स्ट्रक्चर्स, फ्लोर हो, गैलरी हो, रूफ हो, ब्रिज हो, टनल हो या चिमनी हो, वॉल बिल्डिंग हो और एनी अदर स्ट्रक्चर जो किसी सब्सटेंसेस के जरिए जो स्ट्रक्चर है वो आपका कोलैप्स हो सकता है। सच डेंजर्स डेंजरियस अकरेंसीज आर रिपोर्टेबल आफ्टर 48 आवर्स आफ्टर एन एक्सीडेंट। यानी कि कुछ डेंजरस अकरेंस हो गया है तो आपको रिपोर्ट जो है 48 आवर्स के बाद भी आपको इसी एक्सीडेंट की जानकारी देना है। थैंक यू दोस्तों।